गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम रिवीजन वर्क में वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन है 485,178 बॉयज एंड 196,997 गर्ल्स टुक एन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ऑल टुक द एग्जामिनेशन। बच्चों, इसका मतलब है कि एक एग्जाम में 485,178 बॉयज अपीयर हो रहा है और 196,997 गर्ल्स अपीयर हो रही है, तो टोटल दोनों मिला करके टोटल स्टूडेंट एग्जाम जो है सो कितना दे रहा है, यही हमको निकालना है। अब जैसे यहाँ पर हम लिखे नंबर ऑफ बॉयज टूक एन एग्जामिनेशन कितना है 485,178, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स है कितना 196,997। हाँ, तो अब हम टोटल स्टूडेंट निकाले, तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए क्या होता है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा टोटल नंबर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 7 15, तो ये 15 का 5 कैरी 1, 1 7 8 8 9 17 का 7 कैरी 1, 1 1 2 9 11 का 1 कैरी 1, 6 5 11 1 12 12 का 2 कैरी 1, 9 8 17 1 18 18 का 8 कैरी 1, 4 1 कैरी 1 यानी कि 6। तो इस तरह से ये हमारा टोटल कितना हुआ 682,175 स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट का हो जाएगा। सेकेंड में है ए मैन बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज 5,63,498 और बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन फॉर रुपीज 8,76,097, फाइंड द टोटल कॉस्ट। ये भी वही है, यानी एक आदमी एक प्लॉट को 5,63,498 में खरीदता है और उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्डिंग बनाता है जिसमें खर्चा उसको 8,76,097 पड़ता है, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ। तो यहाँ हम जैसे लिखे हैं ये मैन बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड रुपीज इतना, उसमें ही इज कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग फॉर रुपीज 8,76,097, तो टोटल कॉस्ट एक्सपेंड कितना हुआ, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। 8 7 15 का 5 कैरी 1, 9 9 18 1 19 कैरी 1, 4 और 1 5, 6 3 9 7 6 13 का 3 कैरी 1 और 8 5 13 1 14 का कैरी, तो ये हो जाएगा 14,39,595, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।